हम बात कर रहे हैं पीएनबी की। आज के दिन की बात करें तो स्टॉक में 1% के ऊपर की गिरावट फिलहाल देखने के लिए मिल रही है। हम देख सकते हैं इस गिरावट के साथ स्टॉक जो है इस वक्त 121.23 रुपीज़ पर ट्रेड होता नज़र आ रहा है। बाउंस बैक किया था स्टॉक ने, जंप आया था। हमने इससे पहले डिस्कस किया हुआ कि 128-130 का लेवल जहाँ से स्टॉक ने रिजेक्शन दिखाया था, लगातार तेज़ी के लिए इस लेवल को ब्रेकआउट करना इम्पॉर्टेंट है। देख सकते हैं स्क्रीन पर चार्ट पैटर्न पर उसी के आसपास से स्टॉक ने रिजेक्शन दिखाया। तो अब सपोर्ट कहाँ लिया है, 120 के लेवल पे, जो कि इसका मेजर सपोर्ट है। यहाँ से अब बाउंस बैक के चांस बनेंगे पीएनबी में। यहाँ से स्टॉक अगेन अब बाउंस बैक दिखा सकता है। मार्केट में लगातार तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। बड़ी गिरावट के बाद स्टॉक ने जब बाउंस बैक किया है तो उतना बड़ा मोमेंटम और उतनी रिकवरी पीएनबी में देखने के लिए नहीं मिली। मार्केट लगातार तेज़ी दिखा रहा है, नया हाई बनाते हुए नज़र आया था, लेकिन पीएनबी में अब भी गिरावट देखने के लिए मिल रही। तो यहाँ से स्टॉक अब रिकवरी कर सकता है, बाउंस बैक कर सकता है। जहाँ सपोर्ट लिया है 120 का लेवल इमीडिएट सपोर्ट है, और ये जो लो है 112 का लेवल, जब तक इसके ऊपर है आप इसमें अपसाइड के चांस बने हुए। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर गया तो फिर 100 तक का भी फॉल हमको पीएनबी में देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन चांस बनेंगे आप यहाँ से रिकवरी के। हम देख सकते हैं इसके कैंडल को भी देख सकते हैं हम, आप यहाँ से रिकवरी के चांस बनेंगे। तब इमीडिएट टारगेट देख सकते हैं, इससे पहले स्टॉक ने कहाँ रिजेक्शन फेस किया था, 124-125 के लेवल पे। 125 इमीडिएट टारगेट है, ब्रेकआउट कर गया तो 128-130 का नेक्स्ट टारगेट रहेगा। ये इसका मेजर रेजिस्टेंस है, हमको इसी के ब्रेकआउट का इंतज़ार है। जिस दिन भी पीएनबी इस लेवल को ब्रेकआउट दे गया उसके बाद फिर लगातार तेज़ी पीएनबी दिखा सकता है। फिर अगला टारगेट 140 और 140 का भी ब्रेकआउट करता नज़र आ सकता है। नेक्स्ट टारगेट 144 और 150 तक का जम फिर पीएनबी दिखा सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।